हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं होप यू कैसे हैं सब। तो मैं अभी बस में बैठी हुई हूँ, तो अभी जा रहे हैं हावड़ा। तो बस, तो और हम घर का कुछ भी सूट नहीं कर पाए। आप देख के ही समझ पा रहे हो कि घर का हालत कैसा हो सकता है। तो हम जाने के पहले इसीलिए वीडियो शूट नहीं किए या कर नहीं पाए, क्योंकि हालत ठीक नहीं है। पहले वाला ब्लॉग में आप लोग देखे हैं, तो इसलिए हम कुछ भी सूट नहीं किए हैं। डायरेक्टली हम घर जा रहे हैं। तो इधर मैं, इधर है पापी और इधर है स्नेहा। हाय करो। तो अभी हम घर जा रहे हैं हम लोग। बस फिर आएंगे, आना ही पड़ेगा। और बैग गए हैं तो सीट मिल गया। मेरा ये स्नेहा का ऊपर और पापी का उधर है, तो यही बात है। ये लेके बैठे हुए हैं अभी, एक पैकेट खत्म किए, ठीक है। और खाना भी ले लिए हैं, साथ में डिनर भी ले लिए हैं। तो बस ट्रेन स्टार्ट करेगा, जस्ट अभी आए और ट्रेन भी आया। अभी डिनर करेंगे और उसके बाद बिस्तर लगाएंगे, ठीक है। देखते हैं डिनर में क्या है। मम्मी पनीर दे दिए हैं और पनीर करके दे दिया है मम्मी जी, और फिर रोटी खरीद लिए हैं और आलू का दम भी खरीद लिए है। डिनर यहाँ पे मम्मी जी डिनर करके भेज दिए हैं। पनीर आलू का दम ये खरीदे हैं। ये है आलू का भाजी, ये है रोटी। सो अभी सब डिनर कर रहे हैं। Hey guys, good evening to all। तो हम लोग घर आ गए थे, तो एकदम सुबह सुबह आए थे। तो बस आए, उसके बाद जो भी कपड़ा धोना है ना था ना, जो भी है घर का क्लीनिंग वगैरह था वो करके ले आए। एंड दोपहर में स्नेहा और स्नेहा के पापा गए चीकू मीकू के लेके आए। एंड उसके बाद हम थोड़ा सा हल्का रेडी हुए, तो थोड़ा सा देवघर जा रहे हैं, मतलब कुछ काम के लिए, ठीक है। कुछ मतलब काम के लिए, ऐसे घूमने के नहीं। और ये वाला कान का जो है, जब हम आ रहे थे तो जादवपुर मार्केट में थोड़ा सा फिश फ्राई खाए थे और मोचा का चॉप। तो जो भी यहाँ वहाँ पे बंगाल में ये सब मिलता है, बट यहाँ पे ये सब नहीं मिलता है। हम बहुत मिस करते हैं ये सब, तो अपने आप को देख के वो कंट्रोल नहीं कर पाए। एंड गोलगप्पा खाए तो इतना अच्छा से किए, मतलब एक दीदी इतनी अच्छी बना रही थी। मतलब हम लोग के यहाँ पे कोई लेडीज कभी नहीं गोलगप्पा बनाते, वहाँ पे बना रहे थे। वो ब्लॉग हम नहीं दे पाए उस दिन, छठ पूजा के दिन इतना हम लोग घूम रहे थे तो गोलगप्पा नहीं मिला। तो आज आने के दिन उस समय गोलगप्पा, फिर क्या क्या नहीं खाए, फिश फ्राई, उसके बाद मोचा का चॉप, उसके बाद तो हम लोग खाना पीना लेके आए। तो अभी जा रहे हैं हम लोग देवघर, तो थोड़ा सा जा रहे हैं। तो आगे का ब्लॉग जो भी होगा आपके साथ शेयर करेंगे। तो थोड़ा काम से आए हैं देवघर, और इधर में लाइट थोड़ा सा कम है और इतना आवाज़, इतना शोर हो रहा है कि मतलब ब्लॉगिंग में जो हम क्या बात करेंगे समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो बस यही बात है, तो गाड़ी पार्किंग उधर कर दिए हैं। चलिए अरविंद स्टोर में आए हैं। ये है अरविंद स्टोर, तो कुछ शूट के कपड़े हैं ये वगैरह तो आए हैं, कुछ कारण ही आए हैं। तो चलो चलिए, ठीक है, चलिए। अच्छा जगह है, दाम ले लेकिन अच्छा जगह से बनाना एक अच्छा ही बात है। तो हम लोग यहाँ पे आए हैं। तो ये है मेरी आज की आउटफिट। तो मैं एक न्यू आज यही ड्रेस आज आया है, तो हम पहने हैं। तो ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। तो ये है सूट, शर्ट पैंट के कपड़ा लेके थे ना? हाँ, यहाँ से तो लेके गए थे शर्ट पैंट का कपड़ा। तो अगला बार आए थे तो शर्ट पैंट का कपड़ा हम लोग यहीं से बापी के लिए लेके गए थे, ठीक है। तो यहीं पे बनाने के लिए दे रहे हैं। चलो, तो एक ओकेशन है मेरे घर में, मेरे मायके में, ठीक है। तो अभी हम कुछ शेयर नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं।
खुद का कुछ कर। लोग यहाँ से जा रहे हैं तो मुझे ना ठीक पसंद नहीं हुआ उतना अच्छा, ठीक है बनाने दिए है लेकिन ऑकेशनली जो पापी पहनेगा ठीक है, वो ऑकेशनली जो पापी पहनेगा उसके लिए हम अलग सा कुछ कोट वगैरह कुछ सूट वगैरह खरीदेंगे। तो हम अभी जा रहे हैं रिलायंस में या तो कहीं पे देखते हैं। तो फिर वहाँ पे तो गए थे उतना ठीक है, तो आ गए हैं मॉल पे, तो चलो अंदर एंट्री मारते हैं यहाँ पे अगर कुछ मिलता है तो। चलो यही एंट्री जाते हैं और यहाँ पे मेहंदी हम जब भी आते हैं हमको बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। चलो खाते हैं आइसक्रीम, आइसक्रीम खाना है, चलो आइसक्रीम खाते हैं। हम और स्नेहा अभी चल रहे हैं ऊपर और वापी नीचे है क्योंकि उसे वो अगरबत्ती वो सब भी लेना है, तो इसलिए वो है नीचे और हम और स्नेहू जा रहे हैं ऊपर। आने के बाद आज सुबह ना बहुत माथा दर्द कर रहा था, तो बहुत सारा मैंने ऑयलिंग किए हैं, सर पे बहुत ऑयल दिए हैं आप लोग देख सक रहे हो। मिल गया जो लेना था, मिल गया। तो यहाँ पे मिल गया क्यों दुकान जहाँ पे मोमो फिर से खाएंगे, तो देखते हैं टेस्ट करके। बोल रहा है कि बहुत अच्छा है एंड ये मैम बंगाली है, तो देखते हैं खाते हैं। ये मेयोनीज घर में तैयार, ग्रीन चटनी घर में तैयार और सॉस हम सॉस जानते नहीं, ये भी घर में तैयार है, रेड चटनी ये भी घर में होगा। रियली ऑसम टेस्ट, हाँ मैंने आपको परिपाटी बोले मैंने सेजे बोले जेबा पे अपनी कोट से এত মেহনত করছেন, এটা এটা দেখেই বোঝা যাচ্ছে যে মানে কসমেটিক্সের উপর ইন্টারেস্ট আছে বা কাজের উপর ইন্টারেস্ট। না আমি বিউটিশিয়ান কোর্স করেছি প্লাস সব মানে কসমেটিক্স কাউন্টারে টোটালি মানে বিউটিশিয়ানের সাজানো ঠাজানো তবে এগুলো সবই জানি, টোটাল হেয়ার ট্রিটমেন্ট স্কিন ট্রিটমেন্ট। আর এটা জাস্ট আমার একটি শখ ছিল, জাস্ট শখ ভাবে সুশান্ত হয়েছে মানে ভেতরে কোন আছে চিজ মানে এত ভালো লাগছে জিনিসটা খেতে, অপূর্ব হয়েছে খেতে, সুশান্ত কেটা হয়েছে। आ गए हैं, आइए जो छोटे छोटे मेरा जो बच्चा मेरा स्टार्च हो गया, बामाची स्टार्च हो गया, बामाची करना खोले
बिल्कुल ऐसे ही बदमाशी इधर उधर दौड़ेगा अभी इधर उधर चीकू अपना नाम बहुत अच्छा चीकू मीकू चीकू मीकू गुचू 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 आ गए हैं घर और अभी ड्रेस को चेंज करते हैं देन हम क्या करेंगे खाना बनाएंगे तो रोटी लेके आए हैं भिंडी का भाजी बनाएंगे तो यही हो जाएगा रात का खाना और हो सके तो एक कप चाय पियेंगे तो यहाँ हो रहा है भिंडी का भाजी तो बस यही बात है और ये सुबह का थोड़ा सा किए थे झींगा पोस्त को और थोड़ा सा चावल बचा हुआ है तो इस सबको रख देंगे ठीक है और इधर है खीरा काट के रखे थे तो देखिए दोपहर में स्नेहा खाई भी नहीं तो ये बात है अभी ये और रोटी लेके आए हैं तो वही डिनर हो जाएगा सो गाइज गुड नाइट एंड लव यू टू ऑल तो ब्लॉग को यहीं पेंट करते हैं तो सारा दिन क्या क्या किए और वहाँ से आए तो दिखा दिए क्या क्या किए बस सुबह से कुछ नहीं कर पाए थे पर शाम से जो भी किए आप लोगों को दिखा लेकिन सुबह में क्या क्या किया आप लोगों को बोल दिए कपड़ा कपड़ा जो था वो सब धो धा के उसके बाद सरिया लिए थे घर भी क्लीनिंग किए थे तो इसलिए ब्लॉग नहीं कर पाए थे लेकिन इवनिंग से जो भी किया आप लोगों के साथ शेयर किए तो चलिए अभी रखते हैं और दोपहर में भी खाना बनाए थे झींगा पोस्त तो उड़द की दाल हम खा लिए चावल वही थोड़ा थोड़ा बचा था तो वो भी हम लोग आप लोगों के साथ शेयर कर दिए क्या बनाए थे और साथ में बनाए थे आलू का भाजी तो वो भी ख़त्म हो गया ठीक है तो चलो रखते हैं इस ब्लॉग को मिलते हैं न्यू दिन के साथ न्यू ब्लॉग के साथ अपने टाटा बाय बाय लव यू टू ऑल टेक केयर